Assalamualaikum viewers, jaidad.com.pk से सैयद वकास। और viewers, ये हम आज मौजूद हैं ग्वादर गोल्फ सिटी की साइड पे। आप ये ग्वादर गोल्फ सिटी का देख लें कि ये गेट वगैरह बन रहा है, ठीक है। और ये आप देख लें कितनी तेज़ी से काम हो रहा है ग्वादर गोल्फ सिटी का, आप देख सकते हैं। ये देखें, ये मैं आपको थोड़ा सा पुरानी वीडियो से भी दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपने पिछली दफ़ा मेरी पुरानी वीडियो में यही जगह देखी थी जहाँ पे मलिक बिलाल साहब आए थे इवेंट के लिए, ठीक है। और उन्होंने इस गेट का इफ्तिताह किया था कि, और उन्होंने कहा था जी हम ये गेट अगले एक से दो माह में बना लेंगे, ठीक है। और ये गेट आपको याद होगा, इन्होंने बहरिया ऑर्चिड स्टाइल पे बनाना था। उसकी तस्वीरें भी मैंने आपको दिखाई थी पुरानी वीडियो में। और ये देखें, ये आपको थोड़ा थोड़ा बनता नज़र आ रहा है, तो आपको फीलिंग आ रही होगी कि ये बिल्कुल बहरिया ऑर्चिड स्टाइल का बन रहा है, ठीक है। व्यूअर्स, ये 3000 एकड़ की सोसाइटी है, ठीक है। और आप ये देख रहे हैं, जहाँ मैं आपको कैमरे का फोकस ख़त्म हो जाएगा जहाँ जहाँ काम हो रहा है। ये देखें, ये दूर आपको एक मशीनरी लगी नज़र आ रही है कि जहाँ काम हो रहा है, जहाँ लोग काम कर रहे हैं। और अभी आपने ये देखा, ये सारे खंभे वगैरह देखें आप ज़रा, ये देखें मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने जो पोल्स इरेक्ट किए हैं वो देखें, ये देखें, ये देखें, ये सारा इनका डेवलपमेंट वर्क है। सोसाइटी खाली बेच नहीं रही अपना माल, साथ साथ डेवलपमेंट भी कर रही है। प्लॉट्स बेचना व्यूअर्स, बहुत सारी वीडियोस में मैं ये बता चुका हूँ, आप लोगों को गाइड कर चुका हूँ, प्लॉट्स बेचना शायद इतना मुश्किल काम नहीं होता, प्लॉट्स की डिलीवरी देना मुश्किल काम होता है। इधर हवा इतनी तेज़ है, शायद आपको मेरी वॉइस सही तरीके से ना आ रही हो। नीचे मेरा नंबर और उस्मान का दुबई से नंबर चल रहा है, आप उस पर देख लें, ठीक है। और आज हमारे साथ मेहमान भी हैं जो लाहौर से एकम्पनी करते हुए आए हैं। ये देखें, ये दूर से आपको मशीनरी काम करती नज़र आ रही होगी, ये ग्वादर गोल्फ सिटी की। ये भी ये ट्रक वगैरह सारे यहाँ पे मिट्टी फेंक के, भर्ती डाल के, और अंदर सोसाइटी जो है, आपको अंदर सोसाइटी की मशीनरी दिखाता हूँ। ये देखें, ये आपको दूर सारा नज़र आ रहा है, ये सारा काम हो रहा है। आज आपको मैंने वीडियोज़ इसलिए दिखानी थी, ये देखें, ये वो ट्रक है जो मैंने भी आपको थोड़ा सा मकरान कोस्टल हाईवे पे दिखाया था। ये देखें, मैंने आपको कहा था काम हो रहा है, भर्ती डाल रही है। ये देखें, ये सारा आपको ऑन जायदाद आपको हमेशा ऑन इसलिए दिखा देती हैं ऑन साइट व्यूअर्स कि आप लोगों को पता हो कि आप कहाँ चीज़ खरीद रहे हैं, कैसे खरीद रहे हैं और क्या खरीद रहे हैं। 5 मरले के प्लॉट की कीमत आप प्री लॉन्च के ऊपर 7.5 लाख रुपये है, 2,25,000 रुपये डाउन पेमेंट के साथ है। यहाँ सोसाइटीज़ 10 लाख रुपए, 9.5-10 लाख रुपए से नीचे नहीं दे रही। और अभी उन सोसाइटीज़ में डेवलपमेंट का भी काम शुरू नहीं हुआ। आप ये देखें कि इन्होंने एक तो 7.5 लाख रुपए प्राइस रखी हुई है प्री लॉन्च के ऊपर, प्लस इन्होंने अपनी डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया। अंदर गोल चक्कर बन रहा है, मैं अभी आपको अंदर भी लेके जाऊँगा गेट के अंदर, ठीक है। और इसलिए आपको सारी चीज़ दिखा रहा होता हूँ ताकि आप लोग अंधेरे में ना रहें कि क्या हो रहा है, कब हो रहा है, कैसे हो रहा है। अपने प्लॉट्स बुक करवाने के लिए नीचे नंबर पर कॉल करेंगे तो आपको बाकी की गाइडेंस भी मिल जाएगी कि प्लॉट कैसे बुक करवाना है। ये वीडियो सिर्फ मैंने इससे शूट की और मैं आया भी आज यहाँ पे इसीलिए कि आप लोगों को ये दिखा सकूँ कि डेवलपमेंट काम बहुत सारी सोसाइटीज़ ने शुरू कर दिया है यहाँ पर। जैसे ग्वादर गोल्फ सिटी ने शुरू कर दिया, किंग्स पार्क ने शुरू कर दिया, पाम सिटी ने शुरू कर दिया। ग्वादर गोल्फ सिटी ने खैर बहुत ज़्यादा तेज़ी से और बहुत अर्ली स्टेजेस पर ही शुरू कर दिया। उन्होंने अभी ना अपनी बैलेटिंग, ना अपनी चीज़ें बिकने का भी इंतज़ार नहीं किया, उन्होंने अपनी डेवलपमेंट शुरू कर दी है। ये इनकी मेन बोले वार्ड है जो यहाँ से एंटर हो रही है, ठीक है। आए कोशिश करते हैं हम अंदर चल के इनकी मेन बोले वार्ड भी देख सकें और अंदर इन्होंने एक गोल चक्कर बनाया वो भी देख सकें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये है मेन बोले वार्ड ग्वादर गोल्फ सिटी की। और ये देखें, आपको ये वाटर बाउंड होती है, मैं दिखा रहा हूँ। वाटर बाउंड ये होता है कि पहले, क्योंकि ये रेत है, बहुत कच्ची रेत है, इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पानी फेंका जाएगा और फिर इसके ऊपर आगे बजरी और सारा काम होगा। फिर यहाँ हम इस वक्त ग्वादर गोल्फ सिटी की साइड के अंदर मौजूद हैं। हमारे साथ असलम भाई हैं और हमारे साथ दो दोस्त लाहौर से भी आए हुए हैं, अभी मैं उनको भी इंट्रोड्यूस करवाता हूँ आपके साथ। यहाँ आने का मकसद ये था कि आप लोगों को दिखाया जा सके कि ग्वादर में क्या डिवेलपमेंट स्ट्रक्चर हैं और किस किस सोसाइटी ने कैसे कैसे अपनी डिवेलपमेंट शुरू कर दी हुई है। आप ये देखें, ये आपको हर जगह डेवलपमेंट होती दिखाई दे रही होगी, ट्रक खड़े हुए आते चलते हुए हर जगह आपको डेवलपमेंट होती दिखाई दे रही होगी। और आए चलें, हम चलते हैं असलम भाई की तरफ। अस्सलाम वालेकुम असलम भाई, कैसे हैं आप? अस्सलाम सर।
हम इस वक्त कहाँ हैं सर? ग्वादर गोल्फ सिटी। ग्वादर गोल्फ सिटी ये कौन से मौजे में बन रही है? ये प्लेरी गर्भी में बन रही है जनाब। प्लेरी गर्भी में अगर ओपन लैंड ली जाए तो क्या रेट होगा? प्लेरी गर्भी में ओपन लैंड ली जाए तो तकरीबन 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए बंद रखेगा या बंद रखेगा? और मकरान कोस्टल हाईवे जिस तरह, ये मकरान कोस्टल हाईवे के ऊपर ही मौजूद है, 25-30 लाख रुपए पर एकड़। जी जनाब। काम से ऑफ कोर्स तो आपने, मेरा ख्याल है ये पहली सोसाइटी होगी जिसने इतनी तेजी से काम शुरू किया होगा डेवलपमेंट का। बिल्कुल ऐसे। तो आपको काम से क्या लग रहा है कि ग्वादर गोल्फ सिटी कब तक डिलीवरी दे देगा चीजों की? काम तो तेजी से शुरू हो रहा है और कर भी रहे हैं, लेकिन अब इन पे डिपेंड करता है कि 2 साल में देते हैं या साल में देते हैं। आपके पास GDA की जो नॉलेज है और GDA में जो आपके दोस्त वगैरह हैं, वो क्या बताते हैं कि आगे आने वाले दिनों में सोसाइटीज पे कोई प्रेशर पुट ऑन किया जाएगा? नहीं, इंशाल्लाह ये कामयाब होगी सोसाइटी। इस सोसाइटी के अलावा बाकी सोसाइटीज पे GDA कोई प्रेशर वगैरह डालेगा? हाँ, बाकी में डालेंगे जिन्होंने अपना प्लॉट्स वगैरह बेचे हैं। उनको लेटर वगैरह इशू कर दिए हैं उन्होंने, GDA की तरफ से लेटर इशू हो गए कि भाई आप भी अपने सोसाइटियों का जब ये कर सकते हैं तो आप भी करें। उनका पहले पानी का इशू था, पानी भी अल्हम्दुलिल्लाह पानी भी उनके पास आ गया है, लाइट भी आ गई है, तो ये काम करेंगे अभी दूसरी सोसाइटियों वाले भी। ठीक है व्यूअर्स, और आए चले हम अपने दोस्तों की तरफ चलते हैं जो हमारे साथ लाहौर से आए हैं, और ये बिल्कुल आप समझ लें कि आवाम की आवाज़ होगी कि इनको ग्वादर कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम जिशान भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक। जिशान भाई, कैसा लगा आपको ग्वादर? आप पहली दफ़ा आए हैं? जी पहली दफ़ा आए हैं। मुझे तो पहले ये था कि इधर कुछ भी नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुई हुई है, इधर बड़ी चीज़ें बन रही हैं, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा। आपको ग्वादर में पीस कैसा लगा, अमन कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत बिल्कुल पूरा पीस है और कोई मसला वगैरह नहीं है, हर जगह फौज है और बड़ा एरिया कंट्रोल है, कोई मसला नहीं है। सिंगार का सनसेट कैसा था? बहुत ज़बरदस्त व्यू था। डिफरेंट मुल्कों में मैं गया हूँ लेकिन कहीं भी इस तरह का व्यू नहीं देखा। तीनों तरफ से आपके समुंदर है और बहुत ज़बरदस्त व्यू था उसका। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, काफी ठीक ठाक लग। आप बताएं सर, आपको ग्वादर कैसा लगा? हाँ जी, बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है, खूबसूरत बहुत है और डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से हो रही है। जैसे इसकी इंपॉर्टेंस है, पोर्ट सिटी है तो अच्छी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे हो रही है, समंदर है इसके 2-3 तरफ, तो बड़ा अच्छा जो है वो। अवेयर्स, ये जो दोनों भाई हैं निशान भाई और समद भाई, इनका ताल्लुक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से है, इनका दूर दूर से कोई ताल्लुक भी रियल एस्टेट से नहीं है, ऐसा ही है सर? ठीक है। और ये मैं इसलिए आपको दिखाना चाह रहा था कि हम अपने साथ दूर दूर से लोग लेके आते हैं ताकि लोग देखें कि ग्वादर क्या है, कितना मनपसंद शहर है और यहाँ पे क्या डेवलपमेंट स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है व्यूअर्स, थैंक यू सो मच। जायदाद.com.pk से सैयद वकास।